जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है। जब व्यक्ति को मुसीबत आती है तो उसको सारे दोष नजर आते हैं। जरा पंडित जी देखना, मुझे पितृदोष है क्यों? बहुत तकलीफ में है, बहुत कष्ट में है, बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ में, बहुत कष्ट में, बहुत दुखी है। देखिए जरा पितृदोष है। पंडित जी बोलेंगे पितृदोष तो नहीं है, वास्तु शास्त्री के पास पहुंच गए महाराज। और वास्तु शास्त्री के पास जाकर कहा, जरा देखिए हम बड़े तकलीफ में हैं, बड़े दुखी हैं, क्या वास्तु दोष है हमारे घर में? क्या हमारे घर में वास्तु दोष है क्या? देखिए जरा। तो फिर वास्तु शास्त्र ने कहा घर में भी कोई वास्तु दोष नहीं, तो फिर इतना दुख कैसे है, इतनी तकलीफ कैसे है? आप जो परमात्मा का भजन करोगे, कीर्तन करोगे, नाम जाप करोगे, स्मरण करोगे, कर्म अच्छा करोगे तो ही तो ठीक होगा। महाराज जरा देखो हमारी हमारे घर में कोई दोष तो नहीं है वास्तु का? वास्तु दोष नहीं है। अब पितृ दोष नहीं है, वास्तु दोष नहीं है, फिर का एक काम करो, हम बड़े तकलीफ में हैं, जरा हमारी जन्म पत्रिका देखो, जरा जन्म लग्न देखो, जन्म पत्रिका देखो, पत्रिका में तो दोष नहीं है। अरे भाई जब व्यक्ति का मुसीबत का समय आता है, दुख का समय आता है, तकलीफ का समय आता है तो वो पितृदोष देखता है, वो वास्तु दोष देखता है, वो पत्रिका में दोष देखता है कि कारण क्या है मुसीबत का। बस दिक्कत एक ही है कि वो अपने कर्म में दोष नहीं देखता कि मेरे ये पितृदोष, ये वास्तु दोष, ये सारे दोष तो बात के हैं, पर सबसे पहला दोष है कि जो कर्म करा है वो कैसा करा, उसके अनुसार मुसीबत आई, उसके अनुसार हम दुख झेल रहे हैं। बार बार कहा जाता है मत बुरे कर्म कर मंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम दोष देख रहे हैं, हमने पितृदोष दिखवाया, हमने वास्तु दोष दिखवाया, हमने पत्रिका में दोष दिखवाया। मेरा एक निवेदन करबद्ध है, जब आपके ऊपर मुसीबत जब आई है, दुख जब आया है, तो अपने पूर्व के किए हुए कर्म का भी दोष निकालो कि क्या कर आए। पत्रिका दिखा करके बल्कि पत्रिका का दोष मत निकलवाइए, वास्तु का गलती निकालकर वास्तु का दोष ना निकलिए। महाराज अगर पितरों का भाव निकालकर पितरों का दोष ना निकालिए, पर एक दोष अपने भीतर भी है, वो कर्म का दोष है। कुछ अच्छा करा होगा तो भगवान आपके जीवन में थोड़ा तो सुख लिख ही देगा, थोड़ा सुख तो लिखेगा। और यदि बेकार कर्म किया है तो कहीं ना कहीं दुख तो उसने लिखा ही। कर्म का मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। महाराज कर्म का दोष जरूर देखें, पितृदोष बाद में देखना, वास्तु दोष बाद में देखना, पत्रिका में दोष बाद में देखना, पहले अपने कर्म का दोष देखिए।
फिर निवेदन करेंगे। बार बार कहते हैं कि भगवान की भक्ति में डूबो, शिव का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो, राम का कृष्ण का तुम्हारी मर्जी पड़े उसका स्मरण करो, पर करो क्यों? क्योंकि दुख तकलीफ कष्ट पत्रिका दिखाने से नहीं कटेगा, मकान के दरवाजे बदलने से, वॉशरूम बदलने से, पाइप बदलने से नहीं बदलेगा। दुख तकलीफ तुम 50 बार वास्तु को भी बदल कर देख लेना, फिर भी दुख और तकलीफ कष्ट नहीं, ये कष्ट समाप्त नहीं होगा, दुख और तकलीफ समाप्त नहीं होगी। किसी से तुमने बेवकूफ बनाकर, मूर्ख बनाकर किसी को व्यापार में, व्यवसाय में, कोई काम में किसी को मूर्ख बनाकर, बेवकूफ बनाकर, सीधा था समझ नहीं पाया, उससे तुमने 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 तुमने ले तो लिए और खुश भी हो गए कि मैंने उससे ले लिए, अब वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, आए लेने के लिए भला क्या बिगाड़ लेगा। और वो आया, उसने कहा भैया तुमने मेरे पैसे ले रखे दे दो ना। भैया उस समय पर जब मेरे पास था मैंने आपको दे दिया था, अब आपका काम हो गया ना दे दो, अब आपके पास में पूंजी आ गई ना दे दो। बहुत ध्यान दीजिए महाराज, दो तरह का पैसा होता है, एक व्यक्ति ब्याज पर देता है ना ब्याज पर कि तुम ये रुपया ले जाओ हम तुमसे इतना ब्याज लेते रहेंगे बाद में मूल दे देना, और एक व्यक्ति वो होता है जो अपनेपन से, प्रेम से, अपनी करुणाता से, अपनी पहचान से, अपने हृदय से, अपनी चित्त वृत्ति से, अपने दिल से जब प्रेम बढ़ जाता है, स्नेह बढ़ जाता है तो कह देता ले ले जा 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000 काम निकाल ले बाद में दे देना। पर व्यक्ति इतना विचित्र हो जाता है कि जिससे ब्याज पे लिया है उसका तो पूरा ब्याज देता रहता है और जिसका बेचारे का देना है उसका दे ही नहीं पाता। पर निवेदन है जिसने तुम्हें मुसीबत में साथ दिया, तकलीफों में कष्ट में तुम्हारे साथ दिया, सबसे पहले हाथ जोड़कर उसको निवेदन कर देना कि ये तेरा है भाई, ना जाने फिर जरूरत पड़ जाए तो तुझसे मिल तो जाएगा। जब एक बार दे दोगे तो वो दूसरी बार देने के लिए तैयार बैठा रहेगा। पर तुमने जब सोच लिया, विचार कर लिया कि मैं तो खा रहा हूं, निगल रहा हूं, तो फिर जब नियत में खोट आ गया तो फिर वो कुछ नहीं करेगा जिसका तुमने पैसा खाया, वो कुछ नहीं करेगा, अब तो वो करेगा जिसने इसके माध्यम से तुझे दिलाया, उसको कुछ नहीं करना। जब कष्ट पे कष्ट आया, दुख पर दुख आया, तकलीफ पर तकलीफ आई, सारी पत्रिका दिखा ली, पितृ दोष की पूजन करा ली, वास्तु बदलवा लिया, सारे काम कर लिए तो भी दुख नहीं मिटा, तब गुरु के पास गए। पर गुरु भी क्या बोलेगा, यही बोलेगा कि और थोड़ा सा देख लो। पर कष्ट मिटेगा कब, जब कर्म का दोष मिटेगा, जो करा है उस दोष को भी तो मिटाओ। विचार करना पांडवों पर कितनी कितनी तकलीफ आई, कितनी तकलीफ आई पांडवों पर, लाक्षाग्रह में आग लग गई, पर भगवान किसी रूप में आकर बता दिए कि आग लगने वाली है, सुरंग बनवा दी, बाहर निकलवा दिया, दुख तो आया था ना। पूरे वन में जब तक पांडव रहे तकलीफों पे तकलीफ भोगते रहे, हर बार तकलीफ सब होगा, पर भगवान पर विश्वास था, क्योंकि माता कुंती ने कहा था कि कर्म के लेख को शिव काटता, भगवान ब्रह्मा उतना ही देंगे जितना तुम्हारी लेखनी में लिखा है, भगवान विष्णु उतना ही देंगे जितना तुम्हारे भाग्य में लिखा है, पर भगवान शंकर तो कुछ नहीं देखते, ना लेखनी, ना कर्म, ना भाग्य, उन्हें कहा अपना ए दे दो उठा के उठाओ दे, क्या सोचना, क्या विचारना, क्या करना, दे, फिर नहीं सोचना, फिर नहीं विचार। वो तो केवल
गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो, गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर महाराज, और जब गणेश जी को विसर्जन भी करो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर, पीठ नहीं। कई कई लोगों के घरों में गणेश जी की बहुत सारी फोटो हो जाती है, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। कई कई लोग गिफ्ट में गणेश जी दे देते हैं। शास्त्र कहता है जिसने अपने जीवन काल में, आपको पहले भी कथा में कहा था, एक आंवले का वृक्ष, एक गणेश जी की मूर्ति, आंवले का वृक्ष, गणेश की मूर्ति, ये दो चीजें एक ऐसी हैं जिसको एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक कुबेर का स्टेचू भी आता है जिसको कंधे पे पोटली रखी हुई स्टेचू आता है, गंजा बाबा रहे सो क्या बोलते हैं हम लोग, कहते कुबेर स्टेचू बोलते हैं, ये भी गिफ्ट में नहीं दिया जाता महाराज। यदि गणेश की मूर्ति, गणेश की प्रतिमा, गणेश का फोटो हम किसी को गिफ्ट में दे देते हैं तो हमारे घर की संपदा उस तारीख को लिखकर रखना, उसके बाद में धीरे धीरे छिन्न होने लगती है, संपदा टिकती नहीं। एक रुपया कमाओगे सवा रुपया खर्च हो, और घर के हर जगह पर गणेश जी की मूर्ति नहीं लगाना चाहिए, घर का फोटो, गणेश जी का फोटो हर जगह पर नहीं लगाना, जहां पूजन करते हो वहां लगा लो, जहां स्मरण करते हो वहां लगा लो, चल जाएगा। पर सारे घर में ना जाने कौन कौन सी दिशा में, और यहां तक कई लोग साल भर गणेश जी रखते हैं, तो उनसे भी निवेदन है साल भर गणेश जी रखो, मना नहीं है, पर गणेश जी रखना कौन सी दिशा में चाहिए उसका भी शास्त्र प्रमाण वर्णन करता है महाराज, उसका भी शास्त्र प्रमाण महाराज। लाते समय गणेश जी का मुख आपकी ओर हो, कल से एक नियम लेना, शमी के वृक्ष की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है शिव को और गणेश को, बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता है। आपको कथा में वर्णन किया था 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है, और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता है, शमी पत्र समर्पित होता है महाराज। कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको, ये शिवलिंग है समझ लेना बहुत अच्छे से, जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए, ये शिवलिंग है, ठीक है, ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है, शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है, शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही हैं, जया, विशहरा, शामरीबारी, दो तली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियां जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है, एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही है, ये शिव की 5 बेटी। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है, और गणेश चरित्र अपन श्रवण कर रहे हैं, और कल से चतुर्थी लग रही है, जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र, 5 समर्पित करें, और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहां समर्पित करें, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें, 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ,
जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें एक शमी पत्र। और महाराज टीका दिया, जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का मोर ध्वज का मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है, हमको बताना जरूर। करके देखो एक बार गणेश पुराण का शिव महापुराण का ये प्रसंग करिए, जीवन में उतारिए। चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी का मूल स्थान, आपको गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ाने का नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि गणेश जी की आप प्रतिष्ठा करोगे तो वो टेम्परेरी है, 10 दिन के लिए कर दिया फिर वापिस विसर्जन कर दिया। पर जहां शंकर मंदिर में बैठ गए, शिवलिंग स्थापित हो गया, वहां ना जाने कितने समय से शंकर की आराधना हो रही है, वहां गणेश जी सदा विराजमान है, सदा आराधना। और देखो ये 10 दिन में अगर आपने शमी पत्र बिल्कुल मन से समर्पित करा है ना, तो मेरा विश्वास कहता है शिव महापुराण का, मेरे बाबा विश्वनाथ की कृपा कहती है, मेरा मन कहता है 10 दिन के अंदर आप शमी चढ़ाएंगे ना कुछ अच्छी खबर जरूर मिलेगी, ये पक्का। पर हमें बताना जरूर व्हाट्सएप पर, हो मैसेज जरूर करना कि क्या फायदा हुआ आपको 10 दिन के अंदर, बोलना जरूर। कर देखिए शिव स्मरण, भगवान गणेश शिव। तीसरा क्रम, गणेश जी की मूर्ति जब लेकर आओ तो गले में जनेऊ के रूप में या कमर पर सर्प जरूर होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति में जनेऊ के रूप में सांप हो या कमर पर बंधा हुआ सांप हो, वो गणेश जी संपदा देने में पीछे हटते ही नहीं। गणेश जी की मूर्ति में कंधे पे जनेऊ के रूप में सांप हो या पेट पर कमर पर सांप बंधा हो, वो संपदा देने में कमी नहीं रखी, अपार संपदा। शिव पुराण कहती है चाहे सोमवार करो, मंगलवार करो, बुधवार करो, एकादशी करो, प्रदोष करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो, पर तुम्हारे चेहरे पर उस व्रत में प्रसन्नता होना चाहिए। अगर चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है भगवान उस व्रत को स्वीकार नहीं करता। आज हरताली का तीज है, कल चतुर्थी है, पंचमी है, आप जो भी व्रत करो आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव होना चाहिए कि मैं आनंद से भगवान को रिझाने के लिए ये व्रत कर रही, भगवान को पाने के लिए होना चाहिए भाई। अगर गणेश जी महाराज आपके घर में आ रहे हैं, भगवान कृष्ण आपके घर में आ रहे हैं, भगवान राम आपके घर में आ रहे हैं, सदगुरु आपके दरवाजे पर पधार रहे हैं, भगवान गणेश जी महाराज आपके यहां प्रवेश कर रहे हैं, तो दरवाजे के दोनों कोने पर, दोनों दीवार के साइड में दो स्वस्तिक बनना चाहिए, एक हल्दी का एक कुंकू का। और स्वस्तिक बनाकर जब गणेश जी प्रवेश करें आपके घर के अंदर, तब दो घी के दिए दोनों ओर जलना चाहिए रिद्धि सिद्धि के लिए। तब प्रवेश मेरे गणेश जी महाराज सीधा चरण अंदर रखकर प्रवेश करिए और गणेश जी की स्थापना करिए। और स्थापना के समय पर दो बिंदी जहां गणेश जी बैठे हैं, साइड में कोई दीवाल हो तो एक हल्दी की एक कुंकू की बिंदी जरूर लगाएं। क्यों? जब आखिरी दिन हम अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को जब विदा करें तो ये रिद्धि और ये सिद्धि, ये कुंकू और हल्दी की बिंदी नहीं, ये रिद्धि और सिद्धि है, बहुएं हमारे घर में रह जाए भले बेटा काम पर चले जाए। क्या होता है, रिद्धि सिद्धि हम साथ में गणेश जी के विसर्जन कर देते हैं, अगर बिंदी नहीं लगाते तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी के साथ चली जाती है। अगर दो बिंदी हमने दीवार पर लगा दी तो वो रिद्धि सिद्धि घर में रह जाती है, गणेश जी जरूर विसर्जन हो जाते, उसको रखो।